नमस्कार, आप देख रहे हैं एस आर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ यतेंद्र बधौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस आर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं और जल्द देखना चाहते हैं तो इसका बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। अलग अलग जगह से 4 गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिभरे एसडीओपी गुरबचन सिंह के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के पालन में टीआई कोतवाली अशोकनगर को बीते दिन सूचना मिलने पर उप निरीक्षक भोजराम भगत, एसआई रचना झा को फोर्स के साथ संजय स्टेडियम तथा शंकरपुर मगरदा रवाना किया गया। संजय स्टेडियम से आरोपी शिव शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा गांजा बिना लाइसेंस के लिए हुए मिला, जिसका वजन 1 किलो 150 ग्राम गांजा था, जिसकी कीमत लगभग 10,000 है। आरोपी के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जिनमें दूसरी जगह दबिस देने पर नाबालिग और में 17 वर्ष गर्ल स्कूल की गली से पकड़ा गया, जिसके कब्जे में 1 किलो 100 ग्राम गांजे को के साथ जो बिना लाइसेंस के बेच रहा था, जिसकी कीमत लगभग 10,000 आकी गई है। इसी प्रकार आज दिनांक 29 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर टीआई कोतवाली पीपी मुदगल द्वारा उप निरीक्षक शैलेन्द्र राम भगत को शमशान घाट पठान मोहल्ला से आरोपी नाबालिग उम्र 17 वर्ष को प्लास्टिक की थैली में 1100 ग्राम गांजा कीमत लगभग 10,000 का अवैध रूप से रखी पाए जाने से गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह की सूचना पर भूरा लोधी उर्फ जगदीश लोधी पुत्र बाबूलाल लोधी उम्र 28 साल निवासी ग्राम गौशाला टोरिया मंदिर गौशाला से 1 किलो 50 ग्राम गांजा के साथ 4 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी द्वारा अशोकनगर शहर में स्कूली बच्चों एवं युवा वर्ग को नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं, जिससे कई युवा नशे के आदि होकर अपने प्राण गंवा चुके हैं। युवा वर्ग एवं छात्र नशे के आदि होकर अपने घरों एवं आसपास के घरों में चोरी उठाईगिरी जैसी घटनाओं पर अपराध जगत में संलिप्त हो रहे हैं। ऐसे कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने काफी चिंता व्यक्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके पालन में उक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई से शहर की जनता द्वारा काफी प्रशंसा की गई है। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में टीआई कोतवाली पीपी मुदगिल, एसआई भोजराम भगत, एसआई सेवेंद्र राम भगत, एसआई रचना झा, एएसआई शिव कुमार शर्मा, एचसी देवनारायण शर्मा, देव प्रकाश तिवारी, आरक्षक शैलेन्द्र रघुवंशी, योगेंद्र रघुवंशी, भूपेंद्र ओझा, सूरज हरसाना, आरक्षक नीरज रघुवंशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी में मैं आरक्षक शैलेन्द्र रघुवंशी, योग रघुवंशी, भूपेंद्र ओझा, सूरज हरसाना, नीरज रघुवंशी को विशेष भूमिका रही। अवैध मादक पदार्थों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस अवैध मादक पदार्थों के परिवहन से और उसके सप्लाई से और उसके कंजम्पशन से पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही थी। उसमें काफ़ी युवा वर्ग और छात्र लोग इसका सेवन कर रहे थे और उसकी वजह से काफ़ी घर परिवार बर्बाद हो रहे थे। अपने छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, युवा वर्ग अपने रोजगार को छोड़ के नशे की लत में डूबता जा रहा था और ये एक भयंकर सामाजिक समस्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। पूरे अशोकनगर काफ़ी इससे परेशान था और उससे लंबे समय से जूझ रहा था। इसी दिशा में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसमें 4 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें संजय स्टेडियम से आरोपी प्रवीण शर्मा, जिसके पास से 1150 ग्राम गांजा पकड़ा है जो जिसकी कीमत 10,000 रुपये के आसपास है। दूसरा शंकरपुर मगरदा के पास 1100 ग्राम गांजा पकड़ा है। तीसरा पठार मोहल्ला से लगभग 1100 ग्राम गांजा पकड़ा है और चौथा टोकरिया मंदिर गौशाला से आरोपी भूरा उर्फ जगदीश लोधी। इस प्रकार कुल 4 आरोपियों से 4 किलो से ज़्यादा गांजा और अवैध मादक पदार्थ की जब्ती पुलिस के द्वारा की कर थाना कोतवाली में प्रकरण 268/19, 270, 270, 271 दर्ज कर आरोपियों को जेल निमित्त पैक किया जा रहा है। ये एक नशे के खिलाफ पुलिस विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें मुख्य रूप से थाना कोतवाली DI और उनके स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही है। पूरे प्रकरण को सप्लाई कहां से हो रही है इसकी भी जांच की जा रही है और इसमें एक बड़े अवैध मादक पदार्थों का खुलासा किया जा रहा है। चुनाव की तिथि करीब आते ही सिंधिया ने अपने क्षेत्र में चुनावी कमान संभाल ली है और दूसरी जगह सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राज सिंधिया संभाले हुए हैं। दोनों पति पत्नी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी अशोकनगर में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बीते दिन मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शहर में जनसंपर्क किया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। यही नहीं, मंत्री जी ने चाय के ठेले पर चाय
जाकर चाय पी, इसके बाद मिठाई की दुकान पर मिठाई खाकर दुकानदारों से सिंधिया के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं सिंधिया की पत्नी आज अशोकनगर शहर में पहुंची और वार्ड 12, 21, 22, 14 वार्ड में सभाएं की और लोगों से सिंधिया के पक्ष में वोट करने की अपील की। सिंधिया की पत्नी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि 5 साल सिंधिया जी आपकी आवाज बनते हैं, लेकिन अब वो वक्त है कि एक दिन के लिए आप सिंधिया जी के लिए आवाज बनकर वोट करें। साथ ही सिंधिया ने भी अशोकनगर के विभिन्न गांवों में पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप जानते हैं कि चाहे प्रदेश में व केंद्र में भाजपा की सरकार रही हो और उन्होंने क्षेत्र के विकास में सदैव अड़ंगे लगाए हैं, फिर भी मैंने पूरी ताकत से सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़ी है। चाहे वह सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, मैंने सभी क्षेत्रों में आपकी लड़ाई लड़ी है और लड़कर आपके लिए है काम मंजूर करवाए हैं। मैंने जो कार्य आपके लिए किए हैं उससे आप सभी भली भांति हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विभिन्न योजनाओं कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 2 दिन में के अंदर किसानों का 2 लाख तक का सरकारी बैंक का कर्ज माफ का आदेश करवाया और कर्ज माफी की लिस्ट मंच से सभी को दिखाई, जिससे अशोकनगर के 15,000 किसानों का नाम है। गरीबों की शादियों में राशि जो पहले 21,000 थी उसे बढ़ाकर 51,000 करवाया गया। विधवा पेंशन 1,000 की गई। सभी योजनाओं पर कार्य जारी है। जैसा चुनाव आचार संहिता खत्म होगी बाकी योजनाओं का भी लागू कर दिया जाएगा। भाजपा के लोग जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने तो आ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कभी जनता को क्षेत्र में चेहरा तक नहीं दिखाते, उनके पास नहीं आते, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते, मेरे खिलाफ झूठा और भ्रामक प्रचार करते हैं। वह सिर्फ वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। अपना काम पूरी ताकत से और मेहनत से करता हूँ और क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा। मैं आपके लिए सदैव आपके हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मेरा अनुरोध है कि 12 मई को 90% मतदान करके देश में जीतने का रिकॉर्ड बनाना। ग्राम राजपुर और कचनार में ग्रामवासियों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया, इस बार कांग्रेस प्रत्याशी श्री सिंधिया को पूरे देश में सर्वाधिक वोटों से जिताकर रिकॉर्ड कायम करेंगे। सिंधिया व सिंधिया की पत्नी के अलावा मध्यप्रदेश सरकार के 2 मंत्री भी अशोकनगर जिले में जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कारण है कि सभी सिंधिया परिवार के साथ साथ सिंधिया के मंत्री भी अशोकनगर में जनसंपर्क कर रहे हैं, या कहें तो केपी का उन्हें डर सता रहा है, या ये कहें कि लोगों से सही मायने में जनसंपर्क कर रहे हैं? करने की चिंता नहीं है। 15,000 किसानों की सूची है अशोकनगर जिले में अकेले जिनका सरकार ने ऋण माफ किया। एक एक नाम इस सूची में, एक एक नाम, एक एक व्यक्ति का ऋण ज्योतिरादित्य सिंधिया माफ करके कराएगा।